किसान के साथ अन्याय से भड़के सीजीआई चंद्रचूड़, कोई इंसाफ का इंतजार करते करते मर जाए ये ठीक नहीं। जानिए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का ऐतिहासिक प्रयास। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पहचान एक ऐसे जज की है जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। कोर्ट में भी हंसते मुस्कुराते गंभीर बातें कह जाते हैं। अपने कड़क मिजाज के लिए जाने जाने वाले सीजीआई चंद्रचूड़ कभी कभी भावुक भी हो जाते हैं। जब भी शोषित और वंचितों के हक की बात होती है तो सीजीआई उनको न्याय दिलाने में एक पल की देरी नहीं करते, भले ही आधी रात को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न करनी पड़े। सीजीआई चंद्रचूड़ ने एक किसान के कानूनी उत्तराधिकारियों की कानूनी कार्रवाई में उलझने के उदाहरण का हवाला देते हुए कहा, हमें अपने नागरिकों के मामले के फैसले के लिए उनके मरने का इंतजार नहीं करना चाहिए। क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये बताएं कि क्या आप सीजीआई चंद्रचूड़ का समर्थन करते हैं। और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए एमएसटीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तारीख पर तारीख का चलन हो बंद। गुजरात के कच्छ जिले के धोर्डो में अखिल भारतीय जिला न्यायाधीशों के सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि लंबित मामले न्याय के कुशल प्रशासन के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करते हैं। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि देश की न्यायिक प्रणाली में तारीख पर तारीख का चलन वादियों की पीड़ा को बढ़ाता है और अदालतों को मामलों पर फैसले सुनाने के लिए नागरिकों के मरने का इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी चिंता जताई कि जमानत नियम है, जेल अपवाद है का दीर्घकालिक सिद्धांत कमजोर हो रहा है, क्योंकि जिला अदालतें व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों से निपटने में झिझक रही हैं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने एक किसान के कानूनी उत्तराधिकारियों के कानूनी कार्रवाई में उलझने के उदाहरण का हवाला देते हुए कहा, हमें अपने नागरिकों के मामले के फैसले के लिए उनके मरने का इंतजार नहीं करना चाहिए। न्यायपालिका और जनता के बीच की खाई को पाड़ने का प्रयास। सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों के मुताबिक सीजीआई चंद्रचूड़ ने एक ऐसी न्यायपालिका की कल्पना की है जो पारंपरिक अदालत कक्ष की व्यवस्था से परे सक्रिय रूप से आम लोगों तक पहुंचती है। इस विचार में जमीनी स्तर पर मुद्दों के समाधान के लिए कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है। ई फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई, संवैधानिक मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग और क्षेत्रीय भाषाओं में फैसले के अनुवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट को उम्मीद है कि आम लोगों तक पहुंचने का ये अभियान पारदर्शी और सुलभ न्यायपालिका को बनाए रखने में भी मदद करेगा।